स्टार्ट करते हैं रेस्परेटरी मेडिसिन से तो एजमा का सबसे पहले हम एक स्नैरी डिस्कस कर लेते हैं यू कैन सी हेर ट्वेंटी ओल्ड मेल प्रिजेंट्स विद द कंप्लेंट्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्राई कफ सबसे पहले तो आपने नोट करना है कि uh, जो यंग एज का बॉय है ठीक है सो यंग एज है देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ड्राई कफ है for two weeks which is gradually worsening he admits to have uh, the similar episodes every year in the spring matlab ke ye kisi allergy ki wajah se zyada ho jata then father also has a history of atopic dermatitis Atopic dermatitis डर्माटाइटिस का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं डर्माटोलॉजी में और उसमें हमने देखा था कि फैमिली हिस्ट्री होती है टॉपिक डर्माटाइटिस की ऑफ द एजमा

एस्तमा की पैथोफिजोलॉजी पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लेकिन ये है कि नॉर्मली ये हो रहा होता है ना कि एयर एंटर्स द रेस्परेटरी सिस्टम फ्राम द नोज एंड द माउथ एंड ट्रेवल्स टू द ब्रोंकियल ट्यूब्स एस्थमेटिक पर्सन में क्या होगा मसल्स ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स टाइटन एंड थकन एंड एयर पैसिज बिकम इन्फ्लेम्ड एंड म्यूकस फिल्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एयर टू मूव नॉन एस्थेमेटिक पर्सन में क्या था कि मसल्स अराउंड द ब्रोंकियल ट्यूब्स आर रिलैक्सड एंड टिशू थेन अलाउंग फॉर ईजी एयर फ्लो यहाँ पर आप देखें तो नॉर्मल मसल्स हैं और कोई अंदर म्यूकस प्रोडक्शन नहीं है और एयर पैसेज जो हैं बिल्कुल स्मूथ uh, हैं जिसमें से ईजीली एयर इन एंड आउट जाएगी लेकिन यहाँ पर देखें अगर आप तो यहाँ पर इन फ्लेम ब्रोंकिअल ट्यूब है एजेमेटिक पेशेंट एक तो म्यूकस प्रोडक्शन है दूसरा वहाँ पर क्या है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है सो दिस मेक्स द पेशेंट टू बी शॉर्टनेस ऑफ ऑफ ब्रेथ होगी उसकी टू हैव द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑल्सो द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ वीजिंग होगी वीजिंग क्यों होगी क्योंकि नैरो नैरोज़ हैं जैसे आप सीटी uh, बजाते हो ना तो uh, एक अपने माउथ की जो है छोटी सी ओपनिंग करके सीटी बजाते हो अब इतनी सी ओपनिंग के अंदर से जब हवा पास करेगी ना मोस्टली जो है एक्सपायरेशन के दौरान तो फिर जो है सीटी की आवाज़ आ रही होती है इन लोगों से एस्थेमेटिक पेशेंट से अगर आपने सुनी भी हुई तो आप यूट्यूब से इसकी जो है सर्च कर सकते हो वीजिंग की साउंड तो वहाँ पर डेट इज़ जस्ट लाइक द विजल विज़ल विज़ल की तरह की साउंड होती है जो कि वीज़ होती है तो इस तरह से जो है ये विजिंग आ रही होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ड्यू टू दिस दीज नैरोड एयरवेज एंड ट्रैप्ड एयर तो थी, थी थी फिर हम बात करते हैं कि आ, आपको पता है कि एक एंटीजन होता है एंटीजन होता है तो वहाँ पर हमारे जो लिफॉय टिश्यूज़ होते हैं वो उसके अगेंस्ट आईजीई एंटीबॉडीज़ बनाते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब एक्सपोयर होता है और फिर आई जी ई एंटीबॉडीज जाके मैसेल्स के ऊपर लग जाती हैं मैसेल्स जो होते हैं जब उनके ऊपर एंटीबॉडी एंटीबॉडीज़ आई जी ई लगती हैं वो क्रॉस लिंक करती हैं तो उसकी वजह से वो कुछ मेडिएटर्स रिलीज़ करना शुरू हो जाते हैं इन्हीं मेडिएटर्स की वजह से जो ऊपर हमने देखा है के ब्रोंगो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और म्यूकस प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी तो हमारा मेन मकसद जो है ट्रीटमेंट का वो पैथोफिजोलॉजी हमें समझ आएगी फिर हम कर सकेंगे ब्रोंगो कंस्ट्रक्शन होगी तो कुछ हम ऐसी दवाइयाँ दे देंगे एज पेशेंट्स को कि उनकी जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है वो डायलेशन हो जाए ब्रोंको डायलेशन हो जाए इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें ल्यूकोट्रीन्स नज़र आ रही हैं आपको तो हम ल्यूकोट्रीन एंटेगनिस दे सकते हैं इसी तरह ये हिस्टमीनस नज़र आ रही हैं आपको तो हम एंटी हिस्टमीनस दे सकते हैं इसी तरह आपको जो है आई जी ई एंटीबॉडीज़ नज़र आ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं एंटी आई जी ई एंटीबॉडीज़ दे दें यही होगा ना हमारा ट्रीटमेंट और ऊपर देखें मा सेल्स काम कर रहे हैं तो हमें क्या देना चाहिए मा सेल्स स्टेबलाइजर्स देने चाहिए तो मैंने यहाँ से आपको आपके साथ ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया इन शॉर्ट कि हमारा मेन मकसद क्या है और इन्फ्लेशन है तो एंटी इन्फ्लेट्री में कार्टिकोसड्राइट्स दे देने चाहिए तो इसी तरह हमारा ट्रीटमेंट चलेगा जस्ट हैविंग अ नॉलेज ऑफ बैथोफिजोलॉजी वी कैन ईजीली राइट द ट्रीटमेंट ऑप्शन फ़ॉर दैट लेकिन वो स्टेप वाइज अप्रोच होती है ये आपकी रॉबिन्स की पिक्चर है यहाँ पे भी वही दिखा हुआ है पोलन आता है और उसके अगेंस्ट हमारे टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं फिर बी सेल्स होते हैं फिर वो सारा जूपर हमने देखा और ये हाल हो जाता है एज्थमेटिक एयरवे का लर्जन ट्रिगर्ड एस्जमा अब इसमें पेशेंट्स जो होते हैं ना वो नॉन प्रोडक्टिव कफ़ के साथ आते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है यहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा सो दैट इज़ वाई देर इज़ नो प्रोडक्टिव कफ देर इज़ नॉन प्रोडक्टिव कफ़ तो ऐसे लोग खांसी कर रहे होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ तो उनकी जो है वो ड्राई कफ होती है तो आपके ये जो आ, स्लाइड्स हैं ये स्टेप अप से बनाई हुई हैं और इसके साथ साथ जो कैपलान बुक है वहाँ से बनाई हुई है और साथ में इन मैं आपको इरफान मसूद की भी चीज़ें कवर करवा दूँगी और इन इस तरह से आपका जो है पास पेपर्स के साथ साथ एजमा का अच्छा सा टॉपिक तैयार हो जाएगा अच्छा एयरवे इसमें तीन चीज़ें आप देख रहे होंगे एज्मा में एयरवे वे होती है इसके साथ साथ एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिनेस होती है मींस एलर्जी ना आया और उसके अगेंस्ट हमारी एयरवे हाइपर रिस्पॉन्ड करेगी और फिर जो है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी लेकिन ये डिफरेंस हमारा जो है ना वो डिफरेंस क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव आपको पता है दो तरह की लंग लंग की डिजीज़ होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती हैं और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हम तीन डिजीज़ का जिक्र करते होते हैं एक सी होती है और एक ऐजमा होती है और रेस्ोपीडी में हमारी फर्दर दो टाइप्स की आ जाती हैं एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है और एक हमारा एम्फेसिमा होता है तो अब जो सी ओ पी डी है उसका एजमा से डिफरेंस ही ये होता है कि एजमा में जो एयर की एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन तो एजमा में भी हो रही होती है जस्ट लाइक दैट लेकिन यहाँ पर क्या है कि एजमा में रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है मतलब ये कि पेशेंट्स आपके पास जो है वो आते हैं और फिर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था एक एलर्जन आया था और उसने एक एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन करवाई थी लेकिन वो रिवर्सिबल था बाद में फिर ठीक हो गए थे पेशेंट तो दिस इज़ कॉजिंग द रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयर एयर वे हाइपर रिस्पॉन्सिनेस होती है इसमें <coughs> और एयर वे इन्फ्लमेशन होती है सॉरी देन एजमा कैन बिगेन एट एनी एज किसी भी एज में हो सकता है जैसे अभी आपने जो नैन्यू डिस्कस किया दैट वॉज यंग पर्सन क्यों यंग पर्सन में हो गया था उसमें क्योंकि उसके फादर को भी फैमिली हिस्ट्री थी तो यंग एज में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है अब देखें दो तरह का इज्त हो गया इसका मतलब एक एक्सट्रिंसिक होता है एक इंट्रिंसिक होता है extrinsic क्या है ये ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री के लोगों में होता है यंग uh, एज में होता है एक्सट्रेंसिकजतम और इम्यून रिलेटेड होता है टाइप वन आई जी ई हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स आता है यूजली बिगेज इन द चाइल्ड हुड और फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी और एसोसिएटेड एलर्जीज दैन मोस्ट कॉमन कॉज इन इन्वामेंटल एंटीजेंस आ जाते हैं और इंट्रेंसिक में देखें नॉन इम्यून है इंट्रेंसिक में नॉन इम्यून मैकानिज़म्स हैं यूजली इन अडल्ट होते हैं और नो फैमिली हिस्ट्री तो वो बच्चों में शुरू हो जाता है एक्सट्रेंसिक वाला और इंटरेंसिक वाला थोड़ा ना अडल्ट में जा के होता है लेटर एजेस में नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जन और एसोसिएटेड एर्जन मोस्ट कॉमन कॉजेज पर एटी ड्रैक इन्फेक्शन मतलब बेसिक डिफरेंस जो है स्ट्रेंसिक और इंट्रेंसिक का जो है वो हमें समझ आ रहा है कि इम्यून और नॉन इम्यून का है और फैमिली हिस्ट्री के होने और ना होने से और एज का डिफरेंस आता है लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है जरूरी नहीं है कि बच्चे को ही हो फैमिली हिस्ट्री वाले के तो एक्सट्रेंसिक्सट्रेंसिक वर्सेज इंटरेंसिक इस्तेमाल क्या है कि एक्सट्रेंसिक इस्तेमाल मोस्ट केसेज uh, इसके ही होते हैं कि पेशेंट्स आर ए टॉपिक दैट इज़ प्रोड्यूस आई जी ई टू द इन्वायरमेंटल एंटेजेंस एसोसिएटेड विद द एक्जिमा एंड हेयर फीवर देन जो पेशेंट्स होते हैं एज वो यंग यंग एज में ही हो जाते हैं जैसे हमने बात की और इंट्रेंसिक एजमा क्या इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ए टॉपिक और इन्वायरमेंटल ट्रिगरस आई होप आपको समझ आई होगी इसकी देन <laughs> ट्रिगर्स इंक्लूड अब कौन से ट्रिगर्स होते हैं यहाँ पे मैंने सारी पिक्चर्स भी add कर दी हैं ताकि आपको याद रहे कि वैसे भी आपको पता है कि पोल्ज होते हैं बहुत कॉमनली जैसे अभी हमने डिस्कस किया स्प्रिंग सीजन के अंदर पोलज होते हैं जिसकी वजह से एजमा का अटैक ज़्यादा होना शुरू हो जाता है लोगों को दैन हाउस घरों के अंदर अगर डस्ट है दैन मोल्ड हैं कॉकरोच हैं कैट्स हैं डॉग्स हैं कोल्ड एयर है वायरल इन्फेक्शन्स हैं टोबैको स्मोकिंग है मेडिकेशनस हैं बीटा ब्लॉकर्स वेरी मच इम्पॉटेंट एसपरीन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है और फिर वो एज्डमाटे हो जाते हैं दैन एक्सरसाइज़ कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ऐजेमा का अटैक आ जाता है सो so ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो ऐजमा करवा सकते हैं और इसमें यह है कि आपको पता है जब हम इसके ट्रीटमेंट में जाएंगे ऑब्वियसली हम पेशेंट को जब दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे तो साथ में उसको बताएंगे कि आपको जिससे मसला होता है ना उसको आपने अपने घर से और अपने ज़िंदगी से रिमूव करना है लाइक like जिस आप एक्सरसाइज से होता है तो एक्सरसाइज को ख़त्म करो घर में डस्ट है तो सफाई रखो कैट्स हैं डॉग्स हैं उनको निकालो अपने घर से और पॉलिस हैं तो बाहर ध्यान से जाओ ठीक है मतलब सर्दी से होता है तो अपने आप को कवर ढांपो इस तरह से अवॉइड एक्सपोजर टू द कोल्ड मतलब जो तो ट्रिगर है उसको हमने अवॉइड करवाना है पेशेंट के अंदर देन क्लिनिकल फीचर्स बॉल्स हमने स्नारियों में भी डिस्कस किए कि करेक्टराइज बाई इंटरमीडियंट सिम्टम्स दैट इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी पेशेंट को क्यों होगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्रोंको को हो गई है दैन वीजिंग होगी वीजिंग क्यों होगी मैंने बताया नैरो वेस है उनमें से जब एयर पास करेगी तो वो एक एक्सपायरेशन के दौरान में एक विजलिंग सी साउंड आएगी दैट इज़ वीजिंग दैन इज चेस्ट टाइटिस पिछले लास्ट वीक से मैंने कोई लेक्चर इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज ऑफ माई दिसकफ़ एंड फ्लूड सक्ट्रा फीवर और अभी भी थोड़ी सी खांसी है बट मैं ये सोच रही हूँ कि अब मजीद अगर रेस्ट देगी दूँगी तो, तो ज़्यादा देर फिर हो जाएगी और फिर बहुत पीछे रह जाएगा सिलेबस सो so, कफ मुझे है काफ़ी तो चेस्ट टाइटनेस ऑब्वियसली होगी पेशेंट को कफ़ होगी बहुत ज़्यादा और नॉन प्रोडक्टिव कफ़ मैंने आपको बताया सिम्टम्स हैव वेरिएबल वेरिटी एंड मे नॉट बी प्रेजेंट सिमल्टेनियसली मतलब ये कि सारी इकट्ठी नहीं हो सकती सारे सिम्टम्स अलग अलग भी हो सकते हैं तो सारे सिमलटिनसली नहीं होंगे यूजली अगर विद इन थर्टी मिनट्स ऑफ एक्सपोयर टू ट्रिगर्स ये नहीं है कि अभी पेशेंट बाहर गया एजमा का और उसको पोलन आया उसके पास और साथ ही उसको एजमा नहीं वो अभी अंदर आएगा और उसको थोड़ी देर बाद शुरू होगा तो तीस मिनट के अंदर अंदर शुरू हो जाता है दैन सिम्टम्स आर टिपिकली वर्स एट नाइट रात के टाइम डायनल पैटर्न पैटर्न मोस्टली फॉलो होता है कुछ लोगों को रात के टाइम होता है कुछ लोगों को सुबह के टाइम भी होता है जब वो सो के उठते हैं देन वीजिंग ड्यूरिंग बोथ बहुत एंड इंस्पायरेशन मोस्ट कॉमनली इंस्पायरेशन में होती है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑन फिज़िकल एग्जामिनेशन रिमेंबर दिस वीजिंग जो है वो दो तरह से होती है एक मोनो होती है एक पोली होती है मोनो ये होती है कि जो है ना एक एयरवे है और ट्यूमर ने उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है जिसकी वजह से ना थोड़ी सी अंदर से हवा जा रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी विजलिंग साउंड आ रही है और एक होती है एजमा जिसमें ना ऐसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इधर हुई है, हुई, हुई है इधर नहीं हुई हुई इधर हुई है इधर नहीं तो वो ना एक डिफरेंट सी पोली आ जाती है पोली वीज आ जाती है तो एजमा में पोली आती है, है यह या आपने याद रखना और मोनो जो होती है वो कैंसर के केस में होती है जब एक प्योर बड़ा सा ट्यूमर होता है उसने एक जगह ऑब्स्ट्रक्शन कॉज की होती है दैन इज़ एसोसिएटेड पॉइंट्स एसोसीट पॉइंट्स जो है कैपलान से लिए हुए हैं कि सिम्टम्स आर वर्स एट नाइट सबसे पहली बात एसोसीट सिम्टम्स में हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कब ज़्यादा होती है ये सांस में मसला किस टाइम होता है तो कहेगा मैं रात को सोया होता हूँ तो इस तरह से ज़्यादा मसला होता है दैन नेजल पॉलिप्स अगर पेशेंट को एसोसीट हो सकते हैं ना एक आपने पढ़ा होगा ऐजमा के बहुत से इस तरह के होते हैं मैं आपको बता देती हूँ ये इरफान मसूद पर लिखे हुए हैं इरफान मसूद अगर आपके पास नहीं है तो मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ ये देखें ऐज्धमा के ना कुछ प्लस सेंड्रोम्स होते हैं लाइक आपने ई एन टी में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो नेजल पॉलिप्स का अगर हम बात करें एसपरन सेंसिटिव एज्धमा एस होता है जिसको हम सैमटर सिंड्रोम कहते हैं एस ए एम टी ई -e आर सिंड्रोम ये वाला जो सैम्टर सिंड्रोम होता है इट इज़ एसपरन सेंसिटिव एज्जमा एस मतलब ये लोग जब एसपरन लेते हैं ना खाते हैं तो इनको ना एक तो एजमा स्टार्ट हो जाता है एसपरन हाइपर सेंसिटिविटी होती है और तीसरी चीज़ इनके नाक के अंदर ना नेज़ल पॉलिप्स होते हैं पॉलिप्स होते हैं इनके नाक के अंदर तो ये ये तीन चीज़ें जब होंगी ना नेज़ल पॉलिप्स एसपरिन हाइपर सेंसिटिविटी और एज्तमा दैट मेक्स द दैमटर सिंड्रोम सैमटर सिंड्रोम एसपरन सेंसिटिव एज्तम तो ये मैंने लिखा भी हो कि नेज़ल पॉलिप्स इन सेंसिटिविटी टू एस देन एक होता है एटोपिक टॉपिक ए टॉपिक ए टॉपी होती है इसमें तीन चीज़ें होती हैं एक एजमा होता है एक एलर्जिक राइनाइटिस होता है सैमटर्स में क्या था एलर्जिक राइनाइटिस की जगह पॉलिप्स थे यहाँ पे क्या है ए टॉपी में एजमा है, है एलर्जिक राइनाइटिस है और ए टॉपिक डर्माटाइटस है ये तीन चीज़ें जब होंगी जैसे अब अभी हमने स्नैडियो में डिस्कस किया था कि उसके फ़ादर को ए टॉपिक डर्माटाइटस था और उसको तो फिर एजमा का अटैक आ रहा था सो तो ये वाला जो ट्राइड होता है ना जिसमें ए टॉपिक डर्माटाइटस एज्मा और जो है ना एलर्जिक रैनाइटिस सो दिस इज़ एक्चुअली द ए टॉपिक ट्राइड फॉर द एज्डमा इसके अलावा ये दो होते हैं चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम होता है चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम में क्या होता है एज्डमा प्लस ईजीनोफीलिया प्लस ग्रैनोलोमैट्स वेस्कोलाइटस जब तीन चीज़ें होंगी ना एज्डमा इोजिनोफीलिया और ग्रैनोलोमैटस <clears> वेस्कोलाइटस <throat> तो ये तीन चीज़ें जो होंगी दिस दिस मेक्स द चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम रिमेंबर दिस ये एम सी क्यूज़ में आ सकता है इसके अलावा एम सी क्यूज़ में ये आ सकता है कि एलर्जिक ब्रोंको पलनरी एसपर्गुलसिस होता है इसमें क्या होता है इसमें ऐज्मा होता है प्लस पलनरी इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं प्लस एलर्जिक रिएक्शन टू एस्पर्गुलस होता है मतलब देखें डिफरेंट एस्पर्गुलस एक फन फनजा है उससे एलर्जी होगी और फिर उसके साथ साथ इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे हमें और एज्मा होगा मतलब ये डिफरेंट जो है ना एज्मा के साथ एसोसिएटेड तो हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं एक ए टॉपिका था एक चर्क था एक एसपरन सेंसिटिव एज्धमा था और एक जो अभी हमने पढ़ा एलर्जिक ब्रोंको फिल्मी तो ये सारी जो है ना एसोसिएशन हैं देखिए एक्जिमा और एटोपिक एक डेमाटाइट और फिजिकल एग्जामिनेशन आपने स्किन नोट करनी है ऐसे पेशेंट्स की एजमा की पेशेंट्स की देन इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सपायरेटरी फेज ऑफ रेस्परेशन देखें हमेशा याद रखें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की और डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज के डिफरेंस अगर आपने पैथोलॉजी में मेरे लेक्चर्स लिए थे तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती ना इन दोनों चीज़ों की क्योंकि अभी हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ द मेडिसिन नॉट द पैथोफिजोलॉजी तो मैं यहाँ पर आपको जितना मतलब बता सकती हूँ वो जस्ट ऐसे ही बताऊँगी विदाउट पिक्चर्स लेकिन पैथोलॉजी में जब हमने रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी पढ़ी थी तब मैंने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया था डिफरेंस बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रक्टिव थोड़ा सा बता देती हूँ देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव जो है ना उसमें क्या होगा कि जो है ना एयर ना उसकी समझ आ रही है ना हमें एक ऑब्सट्रक्शन हो जाएगी कि लंग्स के अंदर ही एयर फंस गई है वो बाहर नहीं निकल सकती दिस इज़ द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ दैट एयर इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव टू गो आउट तो इस केस में एक्सपायरेशन में मसला होगा या इंस्पायरेशन में मसला होगा एक्सपायरेशन में मसला होगा सो अबस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होगा कि एक्सपायरेटरी जो होगी हमारा फेज जो रेस्परेशन का होता है वो ज़्यादा हो जाएगा और रिस्ट्रिक्टिव का ऑपोजिट है रिस्ट्रिक्टिव में क्या है कि इंस्पायरेशन ही नहीं होगी लंग्स इतने रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं इतने छोटू से हो गए हैं लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से कि वो अपने अंदर एयर ही नहीं ले कर आ सकते तो डिफरेंस समझ समझें कि ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है कि सारी एयर अंदर ही ट्रैप होगी हुई है बाहर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है कि बाहर नहीं जा सकती और रेस्ट्रिक्टिव में क्या है कि एयर अंदर आ ही नहीं सकती तो जाएगी क्या तो उसमें एज अ होल लंग इफेक्ट हो रहा होता है ना अंदर आने वाली रहती है एयर ना बाहर सो इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सपायरेटरी फेज़ ऑफ रेस्परेशन समझ आई इस लाइन की दैन इंक्रीज यूज़ ऑफ एसेसरी रेस्परेटरी मसल्स फॉर एग्जाम्पल इंटरकोस्टल्स अब ये लोग जब इनको इनसे सांस ले लिया जा रहा होता ना तो ये अपने जो एसेसरी मसल्स होते हैं ना इंटरकोस्टल्स नॉर्मली हम लोग इतने इस्तेमाल नहीं करते तो वो एक्सपायर करने के लिए ना उन मसल्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं मोस्टली जो ज़्यादा एजिमा के जो स्वियर फॉर्म होती है ना उसमें ये होता है तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इंक्रीज यूज़ ऑफ़ एक्सप एक्सेसरी मसल्स फ़ॉर एग्जांपल इंटर कोस्टल सो ये एसोसिएशन हैं कुछ एजदमा की मैंने आपको कैपलान और इरफान मसूद से मिला के बता दिए ये हो गया हमारा एज्धमा का इतना सा अब सेवनटीन मिनट्स की हुई है तो इसको मैं ट्वेंटी मिनट्स तक लेके जाऊँगी डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाते हैं सो बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो है एक्यूट एजमा में दैट इज़ एक्यूट एग्ज़ेस अब ना इसका कोई बेस्ट इनिशियल टेस्ट या बेस्ट uh, जो है हम कह सकते हैं कि वो जो हम कहते होते हैं बेस्ट इनिशियल टेस्ट एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट अब वो ये नहीं है कि हर पर्सन के लिए सेम एक्यूरेट सेम इनिशियल बेस्ट टेस्ट नहीं नहीं इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स कि हमारा पेशेंट किस तरह की हालत में है कौन सी एज वाला है तो हमने उसके ऊपर कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है अब मैं आपको एक बात बताऊं एक पेशेंट आपके पास आ रहा है बुरी हालत में है सांस उससे ली नहीं जा रही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है खांसी करता जा रहा है और बस उसका सांस बंद हो गया किस्म का उसकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बहुत हद तक बढ़ गई है तो उस केस में क्या आप उसकी वो आ, ये मैय करना शुरू कर दोगे उसकी स्पायरोमीट्री करना शुरू कर दोगे कि आओ मैं तुम्हारी स्पायरोमीट्री करूँ ज़रा दिखाओ क्या हालत हो रही है तुम्हारी तो दैट इज़ नॉट द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर दैट जिसको आप कहते हो तो स्टेटस रेस्थेमेटिकस्ट उसके लिए आपका कोई और होगा टेस्ट बे, बेहतर फिर एक पेशेंट आपके पास नॉर्मल हालत में आ रहा है तो उसका कोई और होगा सो so, हर पेशेंट की कंडीशन पे वेरी करता है हमारा टेस्ट तो यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ है कि एक्यूट एग्जर्बेशन में जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है कि एकदम से एजमा का जो अटैक आता है ना नॉर्मल लोगों को आता रहता है उस केस में हमारा जो बेस्ट टेस्ट है दैट इज़ द पीक एक्सपायरेटरी फ्लो और आर ब्लड गैस पीक फ्लो कैन बी यूज बाय द पेशेंट टू डिटर्मिन द फंक्शन सो ये दो टेस्ट हैं हमारे जो कि हैं एक्यूट एक्जसरबेशन में कौन से पीक एक्सपरेटरी फ्लो इट इट इज़ यूजफुल मईर ऑफ एयर फ्लो ऑब्सट्रक्शन एंड पेशेंट शुड सेल्फ मोनीटर देयर पीक फ्लो वो अपना खुद मोनीटर करते हैं कि अगर माइल्ड पर्सिस्टेंट एजमा होगा तो फिर उनको जो है वो पीरियडिक मोनीटरिंग करनी पड़ेगी अपनी कि हफ्ते में एक दो दफ़ा कर ली और इंक्रीज डोज ऑफ इनहेल्ड स्टीरॉइड मतलब कि अगर माइल्ड प्रजिस्टेंट है तो वो अपने इन्हेल्ड जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनकी डोज को इंक्रीज़ करेंगे दैन अगर मॉडरेट परसिस्टेंट प्रजिस्टेंट है तो डेली अपनी मोनीटरिंग करेंगे उसमें प्रियोटिकली uh, कर रहे थे मॉडरेट में क्या करेंगे डेली मोनीटर करेंगे और उसी तरह इन्हेल्ड स्टेरॉयड की अपनी जो है वो डोज़ इंक्रीज़ करेंगे अगर परसिस्टेंट प्रजिस्टेंट है तो उसमें भी डेली मोनीटरिंग करेंगे और इनिशिएट करेंगे प्रेडनी ठीक है तो रेडनीसोन जो है वो इंक्रीज़ करेंगे मतलब इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बस मैं ये जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये पेशेंट की अपनी जो है ना होती है पेशेंट पेशेंट को क्या लगता है कि मेरी जो एजमा की स्टेट है वो माइल्ड है मॉडरेट है है तो मैंने अपनी डोज को इंक्रीज़ करना है और मोनीटरिंग अपनी जो है वो रेगुलर करनी है डेली करनी है या प्रोर्डी करनी करनी है मतलब ये सिंपल सी बात है कि इसमें उसने पीक जो एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मैय करना होता है सो so, uh, ये उस केस में आ जाता है और देन इज़ द आरटीरियल ब्लड गैसेस आरटीरियल ब्लड गैसेस जो हैं इसमें ये है कि अगर पेशेंट सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो ऑबियसली उसको जो है वो हाइपोक्जीमिया होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसको और हाइपोकार्बिया होगा अगर तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर नॉर्मल है या इंक्रीज है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए इसका मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया लेकिन जो एजमा के अटैक के लोग होते हैं ना उनका रेस्परेटरी रेट बढ़ा होता है और इसी से आप मैयर करते हो जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्परेटरी रेट इंक्रीज़ हुआ होगा तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा पेशेंट्स के अंदर कम हो जाएगा ये मैम उसकी बता रही हूँ कि एक्यूट एक्सर्बेशन की बात करें एकदम से पेशेंट को एजमा का अटैक आया तो क्या हुआ ट्वेंटी वाइन मिनट्स का हो गया नेक्स्ट क्या करते हैं